को लेके जो ये देख सकते सारी पब्लिक है, इनको सबको लेके जा रहे हैं हम कलेक्टर के पास, और वहाँ मिलेंगे, वहाँ क्या वार्तालाप होती है हम दिखाएंगे आपको। अंधेर नगरी चौपट राजा, सरपंचों के पास पैसा आता गायब हो जाता है, काम कुछ नहीं, मतलब बेवकूफ बनाने का धंधा चल रहा है, और नीचे से लेके ऊपर तक सभी करप्ट है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, सब करप्ट है। हाँ भैया, है ग्रामीण वासी, ध्यान रखिएगा, इस देश का विधाता जनता है, और जनता से बढ़ के कुछ नहीं है। न जाने कितना पैसा पंचायत से निकाल लिया गया, वो पैसा कहाँ गया? मैं उमेश पिड़िया, भारतीय सर्व सेवा संगठन का संस्थापक, मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारे अधिकार का पैसा नहीं मिला, हमारे पंचायत का पैसा नहीं मिला, तो हम सभी ग्रामीणवासी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। कई बार ये मैंने ज्ञापन भी दिया यहाँ जनसिंह भाई, कुछ नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक सब करप्ट है, सबका हिस्सा बता हुआ है, किसी ने नहीं सुना आज तक। हम ग्रामीणवासी अपना काम, हम किसान लोग हैं, रोपा लगाने का समय, लेकिन अपना खेत छोड़कर अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो आज सोचिए कितना हम प्रताड़ित हैं। ज्ञापन पे ज्ञापन, आवेदन पर या आवेदन मैंने दिया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। ये आवेदन का मतलब पैसे भी जो निकले हुए हैं, ये इसमें पैसे भी, अब बताइए, यहाँ पैसा निकल गया, जमीन में सड़क नहीं, पैसा निकल गया, जमीन में पुलिया नहीं, पैसा निकल गया, विकास नहीं, कुछ नहीं, क्यों नहीं किया गया भैया? आज तीन तीन बार आवेदन दिया मैंने, क्यों नहीं हुआ? इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब हम जनता हैं, अगर हम जनता हैं, अगर हम लोग रात दिन मेहनत मजदूरी करके अपने देश के विकास में अपना योगदान देते, तो मतलब हम मूर्ख हैं? यह नहीं चलेगा, हमको विकास चाहिए, बस यही और कुछ नहीं। अभी ज्ञापन दिए हैं माननीय कलेक्टर महोदय से, हम लोग मुलाकात करेंगे। जी महोदय, खजुआ पंचायत की जनता महोदय, यह है लोग वहाँ पे अराजकता की वजह से परेशान है, पंचायत का जिला पंचायत के लिए भेजा गया, ये रोड है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, इसकी पीडीएफ है अच्छी, ये बिल है जो उनके खाते में गया हुआ है, अरविंद सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कौन है अरविंद सिंह? ये ठेकेदार है, 2017 से लेके 22 तक जो भी पैसे निकले हैं इन्हीं के अकाउंट में गए हैं। खजुआ? जी हाँ, खजुआ ग्राम सभा में रखा गया था।